हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्नास रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न है और मार्केट में धनिया की भरमार है। इतना ज़्यादा और इतना अच्छा धनिया आ रहा है कि देख के ऐसा लगता है कि कितना ले लो। तो आज आप सोच रहे होंगे इतने सारे धनिया का मैं क्या कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी सी और झटपट बनने वाली एक रेसिपी। तो बनाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे धनिए की चटपटी कचौरी, जो कि बहुत इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसके लिए हमने लिया है एक गुच्छा हरा धनिया। हरे धनिया को धो करके हमने इसका पानी निकालने के लिए रख दिया है। अब हम धनिए को बारीक काट लेंगे। हरे धनिया की कचौरी बनाने के लिए हमने लिए हैं कुछ मसाले। ये सब हमने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च, सौंफ, तिल, जीरा, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हमने लिए हरी मिर्च। तो इन सबको हम डाल करके मिक्सी में के पॉट में डाल करके इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने हरे धनिया को धो करके बारीक काट लिया है और जो मसाला है इसे भी दरदरा सा पीस लिया है। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, या आप इसके बदले कलौंजी भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच तेल के। आप इसके बदले घी भी डाल सकते हैं या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और पानी से गूंथ के इसका डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम अपना कचौरी का मसाला तैयार करेंगे। अब हम बनाते हैं कचौरी का मसाला, जिसके लिए हमने गैस पर रखा है एक पैन और पैन में डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। हमारा जो ऑयल है गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे जो दरदरे पिसे हमने मसाले उसे इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। ये जो हमारे मसाले हैं जिसे कि हमने 1 मिनट तक भून लिया है और ये भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। या तो बेसन को भी पहले भून के रख सकती है और इसे भी हल्का सा भून लेंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है वो निकल जाए। देखिए, जो हमारा बेसन है इसे भी हमने 1 मिनट तक पका लिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी काली मिर्च और हरी मिर्च डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ा जो लाल मिर्च है कम डालेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चुटकी भर हींग और साथ ही डालेंगे आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाला और 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला। और इन सारे मसाले को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और आधा मिनट भून लेंगे। देखिए, जो हमारे सारे मसाले काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गीला नारियल। सारे मसाले भून चुके हैं और इसमें हमने करीबन 2 चम्मच गीला नारियल डाल दिया है और गीले नारियल को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास गीला नारियल नहीं है तो आप इसमें सूखा नारियल भी डाल सकती है, लेकिन गीले नारियल से जो इसका टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। और इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। जो हमने इसमें गीला नारियल डाला था वो अच्छे तरीके से भून के हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी डाल करके हम 2 मिनट तक ऐसे भून लेंगे। हमें धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा धनिया का टेस्ट है उसमें बिल्कुल बरकरार रहे, इसलिए हमें धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसके हल्का सा मिक्स होते तक पकाएंगे। देखिए जो हमारा धनिया है अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे। देखिए जो हमारा डो था ये रेस्ट कर चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे जिससे कि हम कचौरी बना सकें। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की, इतनी मोटाई की कचौरी के लिए हम पूरी बना लेंगे। हम लेंगे एक छोटी सी पूरी और उसमें जो हमारी फिलिंग है उसको भर देंगे और भर के चारों तरफ से इसे पैक कर देंगे और दबा के इसके हाथ से प्रेस करेंगे और ऐसे छोटी छोटी कचौरी बना के तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। देखिए जो हमारी कचौरियाँ बन के तैयार है। अब हम गैस पर तेल गर्म करने रखेंगे। देखिए जो हमारा ऑयल है गर्म हो चुका है। हमें इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें कचौरी को डाल करके तल लेंगे। कचौरी को चम्मच से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि वो फूल जाएगी। देखिए जो हमारी कचौरी कितनी अच्छी फूल गई है। अब इसे दूसरे साइड पलट। देखिए जो हमारी कचौरी है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी सी हो गई है। इस तरह से हम अपनी सारी कचौरियाँ तल के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी कचौरियाँ बन के तैयार है। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी धनिया की कचौरी। अभी सीज़न है धनिया का तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरा वीडियो देखिए और इसे जल्दी से जल्दी बना लीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में मेरे वीडियो को शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। खाते रहिए, खिलाते रहिए।